नमस्कार, आप देख रहे रितम और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर आज यानी दूसरे दिन की चर्चा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के लोकसभा में दिए बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मणिपुर खंडित नहीं, भारत का अभिन्न अंग है। मणिपुर ना खंडित है, ना था और ना होगा। स्मृति ईरानी ने पूछा कि भारत माता की हत्या की बात की गई और उस पर संसद में ताली क्यों बज रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो भारत माता की हत्या की बात पर तालियां पीटी हैं, वह गद्दारी का संदेश देती है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा से बाहर जाते हुए अभद्र इशारा किया, जिसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। स्मृति ईरानी ने कहा कि संसद में जब महिलाएं बैठी हुई थी, तब कोई इस तरह का फ्लाई किस का इशारा करके जाए तो ये काफी अभद्र है। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अविश्वास प्रस्ताव पर भाषण देते हुए लोकसभा में मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। इस दौरान राहुल ने कहा कि मणिपुर खंडित हो चुका है और इन लोगों ने भारत माता की हत्या कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने वाले वीरों को याद किया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा कि भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले महान लोगों को श्रद्धांजलि। गांधी जी के नेतृत्व में इस आंदोलन ने भारत को औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराने में प्रमुख भूमिका निभाई। आज भारत एक स्वर में कह रहा है, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, राजवंश भारत छोड़ो, तुष्टिकरण भारत छोड़ो। पीएम मोदी ने परोक्ष रूप से विपक्ष पर भी निशाना साधा है। त्रिपुरा के जरिए रोहिंग्या मुसलमानों के एंट्री पर रोक लगाने के लिए मुख्यमंत्री माणिक सहा ने पुलिस को सख्त कदम उठाने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि रोहिंग्या त्रिपुरा के जरिए प्रवेश करके दूसरे राज्य में जा रहे हैं, जिसे रोकना बेहद जरूरी है। सीएम साहा ने कहा कि अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के अलावा राज्य के पुलिस स्टेशनों को भी एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस किया जाए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और पुलिस के बीच संचार बढ़ाए जाने की जरूरत है। इसके अलावा ड्रग माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर भी साहा ने जोर दिया और कहा कि इस तरह भांग और गांजे की खेती करने वालों को ट्रेस करके उन पर रोक लगाई जा सकेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक बार फिर से कांग्रेस की वंशवादी राजनीति को लेकर राहुल गांधी को घेरा है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस की परिवारवाद पॉलिटिक्स स्वाभाविक रूप से अलोकतांत्रिक है और राजनीतिक दल में आने वाली प्रतिभाओं से गंभीर रूप से समझौता करती है। रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए पूछा कि क्या राहुल गांधी भारत जैसे देश के नेता बनने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की पैकेजिंग और रीपैकेजिंग चलती रहती है, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी कभी सोचती है कि राहुल गांधी भारत जैसे देश के नेता बनने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो, लेकिन राहुल कांग्रेस के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है। चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में आगे बढ़ रहा है। चंद्रयान 3 चांद के और करीब पहुंच गया है। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने बताया कि अगर चंद्रयान 3 के सेंसर और दोनों इंजन काम करना बंद भी कर देंगे, फिर भी विक्रम लैंडर 23 अगस्त को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सक्षम होगा, बशर्ते प्रोपल्शन सिस्टम अच्छी तरह से काम करे। एक कार्यक्रम में एस सोमनाथ ने कहा कि विक्रम लैंडर का पूरा डिजाइन इस तरह से बनाया गया है कि यह विफलताओं को संभालने में सक्षम होगा। 17 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद के 100 किलोमीटर के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। उसी दिन प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। इसके बाद 18 से 20 अगस्त तक लैंडर मॉड्यूल अपनी स्पीड कम करेगा और डी ऑर्बिटिंग करने का प्रयास करेगा। अगर चंद्रयान 3 इन सभी स्तर को पार करता है तो 23 अगस्त को शाम 5:45 पर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ पर काकोरी शहीद स्मारक पहुंचकर शहीद मंदिर में स्थापित शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्य अर्पण कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर उन्होंने मेरी माटी मेरा देश अभियान का भी शुभारंभ किया। उन्होंने आह्वान किया कि कार्यक्रम से जुड़े लोग अपनी जगह पर खड़े होकर अपनी माटी को नमन करें, सेल्फी लें और उसे अपलोड करें। उन्हें इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बताए गए पंच प्रण के शपथ कार्यक्रम में आए लोगों को दिलाई। मुख्यमंत्री योगी ने अपने संबोधन में कहा कि आज भारत शक्तिशाली देशों के समूह G20 की अध्यक्षता कर रहा है। आज भारत आत्मनिर्भर है, विश्व को मानवता का पाठ पढ़ाने वाला भारत है। आगामी 13 अगस्त से 15 अगस्त तक अनेक कार्यक्रम होंगे। हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ना है। जिस तिरंगे के लिए अनगिनत क्रांतिकारी बलिदान हुए, उसी तिरंगे को हर घर फहराना है।
गुजरात में रविवार को स्थानीय निकाय की 30 सीटों पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 21 सीटों पर जीत दर्ज की है। गुजरात में लोकल बॉडी की सीटों के उपचुनाव में बीजेपी ने बाजी मारी है। 18 नगर पालिकाओं के 29 और एक नगर निगम की एक सीट के उपचुनाव कराए गए थे। इनमें बीजेपी कुल 30 सीटों में से 21 सीटों पर जीत हासिल की है। कांग्रेस को इन चुनावों में 8 सीटों पर जीत हासिल हुई है, जबकि आम आदमी पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पाई। चुनाव नतीजों के अनुसार एक सीट निर्दलीय उम्मीदवार को मिली है। गुजरात में इन 30 सीटों के लिए 6 अगस्त को वोट डाले गए थे। रामबन में भूस्खलन के चलते जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया। इसके चलते मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई है। वहीं मार्ग के बंद होने के चलते आज जम्मू के आधार शिविर भगवती नगर से अमरनाथ यात्रियों का जत्था कश्मीर के लिए रवाना नहीं हो सका। साथ ही जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि रामबन के T2 मरोग क्षेत्र में आज सुबह भूस्खलन हुआ है। भारी मात्रा में मलबा सड़क पर जमा हो गया है। इसके चलते हाईवे बंद है। सड़क को बहाल करने के लिए कार्य जारी है। 1 जुलाई से शुरू हुई 62 दिवसीय अमरनाथ यात्रा 31 अगस्त 2023 को समाप्त होगी। भारत ने तीसरे T20 मैच में वेस्टइंडीज को हरा दिया है। भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हराया। हार्दिक पांडे की अगुवाई वाली भारतीय टीम के सामने जीत के लिए 160 रनों का लक्ष्य था। टीम इंडिया ने 17.5 ओवर में 3 विकेट पर 164 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम किया। इस तरह 5 T20 मैचों की सीरीज 2-1 पर आ गई है। टीम इंडिया की जीत के हीरो सूर्य कुमार यादव रहे। सूर्य कुमार यादव ने 44 गेंदों पर 83 रनों की पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में 10 चौके और 4 छक्के जड़े। इसके अलावा तिलक वर्मा ने 37 गेंदों पर 49 रनों का योगदान दिया।